सोलंकी, क्या लगता है तुमको कौन हो सकता है कातिल? सर थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन पर हो ना हो गांव या गांव के आसपास का ही होना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सोलंकी। तुम एक काम करो, जो भी गांव के लोग हैं उनको सबको बुलाओ, सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, और हाँ सबसे पहले उसको बुलाओ जिसने सबसे पहले लाश को देखा था, राइट? हेलो, मोहन चौकीदार जी बात कर रहे हैं। मैं CID से टाउन ऑफिसर चेतन सोलंकी बात कर रहा हूँ। मुझे एक एक करके सभी लोग ऑफिस में चाहिए जो भी बस्ती में रहते हैं, सभी के बयान लेने हैं। जी सर, हो जाएगा। और हाँ, सबसे पहले एक घंटे के अंदर उस लड़के को भेजो जिसने सबसे पहले लाश को देखा था। बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? प्रहलाद नाम है। प्रहलाद, गांव वालों को तुमने बताया था सबसे पहले लाश के बारे में? जी सर, मैं सुबह दशा जंगल गया था। दशा जंगल? व्हाट इज दशा जंगल सोलंकी? अबे तो ऐसा बोलना, जंगल की दिशा में गया था हल्का होने के लिए। फिर सुबह गया था फ्रेश होने के लिए कि बैठने वाला था, बदबू आने लगी तो आसपास ढूंढने लगा तो चंपल दिखे झाड़ियों के अंदर। इतने में राजू दिखा। अच्छा। और बहुत सारा खून बह रहा था। अचानक मैं घबरा गया और जाके सरपंच साहब और गांव वालों को बताया। अच्छा, राजू को कैसे जानते हो? तो मेरे गांव का बचपन से जानता हूँ। राजू से किसी की कोई दुश्मनी थी? किसी से नहीं थी। कोई बुरी आदत थी राजू को? बुरी आदत तो सिर्फ शराब की थी सर। और कोई बुरी आदत? और तो कोई भी नहीं। राजू के साथ अक्सर कौन कौन रहता था, कौन कौन दिखता था? रंजीत, बंटी और भानु प्रताप अक्सर राजू के साथ रहते थे। रंजीत, बंटी और भानु प्रताप दिखते थे? जी सर। ठीक है, तुम जाओ और रंजीत को बोलना कि CID वालों ने आज 1 बजे CID ऑफिस में बुलाया है। शार्प 1 बजे पहुंच जाना चाहिए रंजीत यहाँ पर। ठीक है, तुम जाओ। नाम है तुम्हारा? रंजीत सिंह नाम है सर। राजू को कैसे जानते हो? सर राजू और हम तो एक ही गांव के हैं। राजू के घर में कौन कौन रहता था? सर राजू अकेला ही रहता था। बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे और उसको उसकी बीवी छोड़ के चली गई। बीवी छोड़ के चली गई क्यों? सर राजू शराब बहुत पीता था और लॉटरी के चक्कर में उसकी सारी जमीन जायदाद बिक गई, तो खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। तो तुम ये कह रहे हो कि लॉटरी की आदत थी उसको, लॉटरी की टिकटें खरीदता रहता था, है ना, और शराब पीता था। सोलंकी, दो चीज नोट करना है, ठीक है? शराब और लॉटरी। शराब तो ऑलरेडी हमें क्लू मिल चुका है, लॉटरी का क्लू डालना कम से कम। राजू की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ना किसी से वो लड़ता था ना उससे कोई लड़ता था। राजू अच्छा लड़का था। ठीक है, और तुम कुछ ऐसा बता सकते हो केस के बारे में जो मैं मदद कर सके कातिल को ढूंढने में? कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा क्लू? हाँ सर, बता दूँ। जैसे कि लास्ट राजू मरा उस दिन 1 दिन पहले की बात है। तो शाम का टाइम था, तो मैं गाय लेके आ रहा था, तो शाम को गाय, मेरी गाय जंगल की ओर भाग गई। तो जंगल में भाग उसके पीछे पीछे मैं भागा, तो मैं भागता भागता आया तो जहाँ लाश मिली राजू की लाश मिली, वहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। अच्छा। हाँ सर। किस चीज़ की पार्टी? जैसे कोई दारू पी के जैसे बोलते हैं आवाज निकालते हैं, वो आवाज आ रही है। कौन लोग थे वहाँ पे, कुछ जानते हो तुम? किस कौन लोग थे, किस तरह की आवाज थी, किसकी आवाज थी? कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं। तो हमारे गांव का एक बंटी नाम का है, उसकी आवाज में पहचान देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा बोलता है और लड़ाकू भी था वो।
तो तुम्हें लगता है वो मैं बंटी था? हाँ कंफर्म तो नहीं कह सकता, मैं बंटी था सर वहाँ। बंटी मेरे गांव का ही है सर, बंटी वो झगड़ा लड़का है वो, एक दो व्यक्ति से पहले गांव में लड़ाई कर चुका है और एक व्यक्ति का तो सिर भी फोड़ चुका है। अच्छा तुम्हारे गांव में बंटी है, उसकी आवाज़ लग रही थी तुम्हें वहाँ पे? उसकी आवाज़ लग रही थी। सोलंकी नेक्स्ट बंटी को बुलाना है, ठीक है नोट कर लेना है। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी तुमने, है ना, आगे कुछ रहेगा तो तुम्हें फिर बुलाएंगे, ठीक है तुम जा सकते हो। क्यों मारा राजू को? इसने मारा सर, नाटक कर रहा है। सर मैंने नहीं मारा उसे, तो भूत ने मारा। भूत ने मारा? हाँ सर, हम पार्टी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, पीछे से भूत आया। कौन कौन बैठा था? सर मैं और भानु प्रताप और राजू तीनों बैठे थे, हम पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर बैठे थे? सर जहाँ लाश पड़ी थी उसी के पास बैठे थे। किस चीज की पार्टी कर रहे थे तुम लोग? मुझे राजू का फोन आया, भाई आ जा किस्मत खुल गई है दारू पार्टी करते हैं। मैं गया और देखा राजू और भानु प्रताप दोनों दारू पी रहे थे और भानु प्रताप स्पेशल ड्रिंक लाया था। क्या वो एमएसजी ड्रिंक थी? हाँ हाँ सर वही है। वही स्पेशल ड्रिंक पी रहे थे तभी भूत आ गया। क्या हुआ? भूत ने हम सबको मारने की कोशिश की। चढ़ी नहीं यार, तो थोड़ी और ले आ रहा है, थोड़ी सी और ले ले एमएजी ड्रिंक ना, थोड़ी सी वो ले तो। हाँ ये मेरे भाई एमएसजी ड्रिंक क्या है? एमएसजी ड्रिंक ठीक है ना, जिंदगी का मजा एमएसजी ड्रिंक में, ठीक है ना। थोड़ी बोल राजू बोले। हाँ राजू बराबर बराबर जोश यस। दूसरे दिन नींद खुली तो पता चला कि राजू का मर्डर हो गया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। भानु प्रताप कौन है ये? सर हमारे गांव का सबसे समझदार इंसान और सबसे होशियार आदमी भानु प्रताप। भानु प्रताप अच्छा, सोलंकी मार्क करो भानु प्रताप, ठीक है ठीक है। क्या नाम बताया तुमने अपना? भानु प्रताप। तुम्हारा नाम क्या बताया? बंटी। ठीक है बंटी तुम जाओ, कुछ रहेगा तो तुम्हें फिर बुलाएंगे, है ना, ठीक है जाओ। भानु प्रताप को मैं पूछना है, ठीक है तुम एक काम करो जाओ अभी
और वन पर प्रताप को लेके आओ। हम उसको फोन या चौकीदार से बुलाएंगे तो जैसा उस बल्टी ने बताया, हो सकता है होशियार आदमी हो सकता है ना आए, तो लेट्स डू वन थिंग, तुम जाओ और वन प्रताप को बिना बताए लेके आओ। ठीक है सर? ठीक।